जय हिंद वंदे मातरम। फ्री वाईफाई स्टडी 2.0 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस चैनल को आप लोग अगर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें तथा नीचे दिए गए इस बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद वंदे मातरम। अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। 29 अक्टूबर 2020 का यह पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश जब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा तो 2050 तक उन्होंने अनुमान जाहिर किया है कि उनका देश जापान वह 2050 तक कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है हासिल कर लेगा। जापान जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी टोक्यो है। और इसका सबसे बड़ा नगर टोक्यो ही है। राष्ट्रभाषा जापानी है। जापान का राष्ट्रभाषा जापानी है और सम्राट जो हैं जापान के वो नारुहितो हैं। और इसके प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा जो हैं जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापानी मुद्रा जो है जापानी एन है। सेकेंड क्वेश्चन, साल 2008 में भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की? वह तन्मय श्रीवास्तव जो थे वह अंडर-19 2008 विश्व कप क्रिकेट में उनका खेले थे और उन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। क्रिकेट फॉर्मेट 2008 में जो खेला गया था वह किस फॉर्मेट में खेला गया था? तो वह था वनडे इंटरनेशनल मैच और इसमें पार्टिसिपेंट्स हुए थे, 16 देशों ने पार्टिसिपेट हुए थे और टोटल मैच खेला गया था 44। और यह जो टूर्नामेंट था यह 17 फरवरी 2008 को स्टार्ट हुआ था और 2 मार्च 2008 को यह समाप्त हो गया था और इसका फाइनल मैच इंडिया वीएस साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था और इसमें इंडिया विजयी हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकित दास ने पद से इस्तीफा दे दिया है? वो फेसबुक के सार्वजनिक नीति मामलों के प्रमुख थे। वह थे अंकित दास। यह एक सोशल मीडिया साइट है। इसका शुरुआत 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने किया। फेसबुक का शुरुआत छात्र मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था और इसकी जो रेवेन्यू है, इनकम है, टोटल सालाना इनकम जो है वह 2008 के अनुसार 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी। फोर्थ क्वेश्चन, अमेरिका ने जिस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है वह ताइवान है। ताइवान को अमेरिका ने 2.37 डॉलर अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी थी। वह कौन सी मिसाइल थी? वह थी हार्पून मिसाइल। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी आने वाले एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है। और पाँचवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए
कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। फिलहाल ही में आतंकवाद से ग्रसित भारत में 18 लोगों को केंद्र सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया। हाल ही में जो है कृषि उपज मंडी यानी संशोधन बिल विधेयक के द्वारा 2020 में पारित करने वाला राज्य है वह छत्तीसगढ़ है। कृषि उपज मंडी होता है, यह किसानों के उपज को खरीदा जाना और मंडी में उचित मूल्यों पर इसे बेचा जाना ही कृषि उपज मंडी है और यह छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया था। अब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और इसका सबसे बड़ा शहर भी रायपुर ही है। छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिंदी है। छत्तीसगढ़ का जो राजभाषा है वह हिंदी है और इसका गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके हैं और इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं सातवां क्वेश्चन, जिस राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया जो अंतर्जातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा। किस राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल जो है वो अंतर्जातीय जोड़ों को शादी करवाता है, उसका मिलन करवाता है और उसके लिए उसे प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है। ऐसा करने वाला राज्य जो है वह उड़ीसा है। अब उड़ीसा के बारे में हम विशेष जानकारी हासिल करते हैं। उड़ीसा राज्य की राजधानी जो है वह भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य की जो राजधानी है वह भुवनेश्वर है और यह इसका सबसे बड़ा जो शहर है वह भी भुवनेश्वर ही है। उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है और इसकी राजभाषा उड़िया है। उड़ीसा की राजभाषा उड़िया है और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। उड़ीसा का जो गठन है वह 26 जनवरी 1950 को किया गया था और इसके राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो हैं वह वर्तमान समय में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अब आगे आठवां क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वह एयरलाइन जिसने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है वह स्पाइसजेट है। स्पाइसजेट यह एक विमान है जो कम कीमत पर विमानन सेवा प्रदान करती है। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी विमानन सेवा है। इसका मालिकाना हक जो है वह सुन ग्रुप ऑफ इंडिया के पास है। और इसकी स्थापना मई 2004 में की गई थी। और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसके CEO संजय अग्रवाल को बनाया गया है। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 30 नवंबर के लिए। वह है 30 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई? तो वह अमेरिका है। और यह 2+2 वार्ता क्या होता है? तो इसमें उसके बड़े मंत्री अधिकारी जो होते हैं उनके बीच जो वार्ता होती है उसे 2+2 वार्ता के द्वारा संबोधित किया जाता है। ग्यारहवां क्वेश्चन, किस भारतीय ने हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण की? तो वो हैं वावेल राम कलवन जो हैं वे सेशल्स के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण किए हैं। भारतीय मूल के
वावेल रॉम कलावन को सेशल्स का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। वावेल रॉम कलवन भारतीय मूल के वावेल रॉम कलावन को सेशल्स का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। सेशल्स ने 1977 के बाद पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार का चयन किया। सेशल्स जो था 1977 के बाद पहली बार विपक्षी उम्मीदवार का चयन किया। इससे पहले 1977 के बाद वह अपने ही दल का एक नेता राष्ट्रपति के लिए वह निर्वाचित करता था। 1977 के बाद यह पहली घटना है जब किसी दूसरे दल यानी अपने विपक्षी उम्मीदवार का चयन राष्ट्रपति के तौर पर किया गया है। उन्होंने पदस्थ डैनी फौरे को हराया, को किसने हराया था, वो पावेल रमक कलवन ने डैनी फौरे को हराया। राम कलावन भारतीय मूल के एक पुजारी हैं जिनके दादा गोपालगंज बिहार से आए थे। परीक्षा 2020 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, सेशल्स की राजधानी जो है वह विक्टोरिया है। सेशल्स की राजधानी कहाँ है, वह विक्टोरिया है। सेशल्स की मुद्रा सेशल्सी रुपया है और सेशल्स महाद्वीप अफ्रीका का है। सेशल्स महाद्वीप जो है वह अफ्रीका में है। किस 12वां क्वेश्चन, किस महापुरुष के जन्म दिवस को हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जाएगा। किस महापुरुष के जन्म दिवस को हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जाएगा, तो वो महापुरुष हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल के ही जन्म दिवस को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। जो उनका जन्मदिवस है वह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मनाया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी जो जन्मतिथि है वह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के लिए विषय है विजिलेंट इंडिया, प्रोस्पेरस इंडिया, सतर्क भारत, समृद्ध भारत। जागरूकता सप्ताह अभियान नागरिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में अखंडता और संभावना को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। 2020 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI 27 से 29 अक्टूबर 2020 तक सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। परीक्षा 2020 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं वो संजय कोठारी हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी हैं और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना फरवरी 1964 में की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना फरवरी 1964 में की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मुख्यालय जो है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो वह जो है किया गया था हरदीप सिंह पुरी के द्वारा हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है। आवास और शहरी मामलों और नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं आवास और शहरी मामलों और नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी हैं। हरदीप सिंह पुरी का निर्वाचन क्षेत्र अमृतसर है। वह अमृतसर है। 15वां क्वेश्चन, 28 अक्टूबर को विश्वभर में कौन से दिवस मनाया जाता है, तो 28 अक्टूबर को विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे जो है वह 28 अक्टूबर को विश्वभर में मनाया जाता है।
सोलहवा क्वेश्चन, अमेरिकी व्यापार पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे अच्छा नियोक्ता कौन सा है? वह है सैमसंग, जो व्यापार पत्रिका है यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पत्रिका है वो फोर्ब्स है, वो अमेरिका का है और यह जो है रैंकिंग अपनी रैंकिंग के अनुसार 2020 में सैमसंग को सबसे अच्छा नियोक्ता घोषित करता है। और सैमसंग जो है वो दक्षिण कोरियाई कंपनी है और यह मोबाइल से रिलेटेड संबंधित चीज़ें बनाता है। आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आज अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।